बस कर दो यार। ताबी, इतनी देर हो गई है, पापा और पप्पू को गए हुए अभी तक नहीं आए। और तुम्हें पता है ना, पापा के गुस्से का कितना खतरनाक है। तबीयत पूछने गए लेकिन मुझे लगता है उल्टा उसी की तबीयत साफ करके आएंगे। बेचारा कितना अपसेट होगा। अमल, तुम में जरा सी भी अकल है? तुम स्टूपिड हो। लोग मुझे समझते हैं लेकिन तुम स्टूपिड हो यार। अगर मामू जान ने वहां जाके लड़ना ही होता तो मामा को फजूल में अपने साथ लेके जाते, खामखा का हिस्सेदार बना के लेके जाते। तुम्हारा मसला ना मुझे हल होता हुआ नजर आ रहा है, पर प्रॉब्लम तो सारी मेरी है ना यार। कोई ऐसी तरतीब लड़ा दो जिससे हनी का दिल ना वापस मेरी तरफ मुड़ जाए, इसरा आंटी की तरह सब कुछ भुला के मेरी मोहब्बत में मेरी तरफ चली आए, अपने पहलवान बाप के आगे बम बन के फट जाए। देखो, तुम समझ क्यों नहीं रहे, अजलान मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन वो हनी, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ टाइम पास कर रही थी। ऐसा नहीं बोलो, वो ऐसी नहीं है। क्यों क्यों ना बोलूं? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। खेलने के लिए उसे बेचारे मेरे मासूम से भाई का नाजुक सा दिल मिला था। अमल, वो ऐसी नहीं है, जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है हमारे बीच में, लेकिन तुम उससे बात करो, उसको मेरा हाल तो बताओ, देखना आई प्रॉमिस वो वापस मेरी तरफ खिंची चली आएगी। मैं क्या बात करूं? वो तो तुम्हारी मर्जी है ना कि क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, लेकिन प्लीज मेरी बहन कुछ कर दे। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगी। हाँ मैं कर दूंगी, लेकिन अभी तुम जाओ ना, देखो कि देख के आओ ना, शायद आ रहे हो। पक्का? तुम जाके देखो ना, प्लीज जाओ जाओ ना, देखो आए हैं कि नहीं। अपनी पड़ी रहती है इसको। अपना टाइम पता है आएगा आएगा। जितनी मोहब्बत से भाईजान अजलान के घर जाकर उसका हाल पूछ कर आया ना, और पहली दफा जिंदगी में इसरा के सर पर हाथ रख कर दुआ दिए, मुझे तो लग रहा है कि दिल पर जमी बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है। सिकंदर, अजलान के तुफैल तुम्हारा काम होने वाला है, तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही हैं। लग रहा है ऐसी हो बाजी, लेकिन अब उस रंगीले पहलवान को नहीं जानती, वो बहुत जिद्दी है। उस प्लास्टिक इंसान का पत्थर दिल पता नहीं कैसे मोम होगा। कौन मोम करेगा, कौन करेगा, आप करेंगी? अरे हम ट्राई तो कर सकते हैं ना, उसमें क्या हर्ज है? और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं भाईजान की शादी का इनविटेशन देने खुद चली जाऊंगी। भाई यही तो मौके होते हैं दुश्मनियां मिटाने के, या खुशी में या गमी में। अजलान की बात और है, पापा उन लोगों को बुलाने नहीं देंगे। हाँ, इतना मसला सेटल हो गया, आगे भी ठीक हो जाएगा। आप लोग पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। अजलान और इसरा को मैं अपनी तरफ से बुला लूंगी। Actually, I'm also positive. Very positive. आपको पता है, जब से आपकी एंट्री हुई है ना हमारी फैमिली में, तो बहुत लग आई है। I love you. ये I love you संभाल के रखो, उस वक्त कहना जब अजलान के मामू हमारी तकरीब में आएंगे और उनका दिल साफ हो जाएगा। फिर तो रहने दे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जहां तक मैं अपने मामू को जानता हूँ, वो इतनी आसानी से मान जाने वालों में से नहीं है। हसीना ने वादा किया है कि वो लोग आएंगे, इसका मतलब पापा का फंक्शन खासा हंगामा खेज होगा। जितना भाईजान कह रहे हैं ना, निकाह सादगी से होगा, सादगी से होगा, मुझे लग रहा है उतनी ही रौनक लगने वाली है। और मेरा ख्याल है कि मामू को जैसे ही पता चलेगा कि आपकी शादी इजहार साहब, मेरा मतलब है कि उनके पुराने दुश्मन के साथ हो रही है, तो वो आपकी शादी में लाए हुए गिफ्ट को झपट कर अपनी फैमिली के साथ वापस लौट जाएंगे। राइट, सही। तो निको बाजी किस लिए? मैं तो दुल्हन बनी होंगी, मेहमानों को रोकना संभालना आपका काम होगा। भाई अभी क्या बात हुई, अब सारे काम क्या मैं ही करती रहूंगी सारी जिंदगी? ये तो तुम भी कुछ कर लिया करो ना सिकंदर, बस बैठे रहते हो बेकार में। करता हूँ बाजी, करता हूँ। ए सलीम भाई, गेम शो सलीम भाई, वो जो मूवी का ऑर्डर दिया था ना शादी का, हाँ वो नहीं कर रहे, हाँ सादगी से कर रहे, करीम भाई को मना कर देना। हाँ अरे कोई सादगी वादगी नहीं हो रही है, मना मत करना।
क्या हुआ भाई? जब देखो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचती रहती हो तुम। फिलोसफर बनने का इरादा है क्या? एक बात कहूं? बोलो। अब मुझसे बात करने के लिए भी कुछ तुम्हें कुछ सोचना ही पड़ता है। अजलान, हनी, हसीना आंटी, इनमें से कोई तो होगा ना जिसको हम तरीके से समझा सकें और वो हमारी बात समझ सके और फिर तुम्हारे मामू को समझा सके। अमल जी, यही तो अलमिया इस दुनिया का। दिल वालों का साथ कोई नहीं देता, उन्हें अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। क्या करोगे मुझे भी बताओ। तुम्हारी तरह कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं करूंगा, सिचुएशन के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल तुम ना अंकल और आंटी की शादी की तैयारी करो, समझी? दिखाओ इधर। हाँ। अजी सॉरी सॉरी। शाह, तुमने तो उंगली मार दी, जरा प्यार से चेक कर। हाँ सही है। ये जो शादी के खाने का सुन के तेरे प्यो के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है ना, मैं कहनी है कमाल हैगी आहो। ना तानू होया की है, ना मकौड़े जिहा मुंह बना के क्यों बैठे होए हो? छोटा बंदा, छोटी सोच। हाँ जी, असी छोटे हैगे आ ते तुसी पानी नाल चलण वाला जहाज बना लेता है ना। हर बात के साथ झगड़ा जरूरी है। अब पुत्र, मैं तो अच्छे मूड में बैठा हुआ था, अपने ख्यालों की बड़ी स्क्रीन पर रोशन मुस्तकबिल के नजारे देख के दिल बाग बाग हो रहा था। तेरी माँ ने ऐसी एंट्री मारी है, वट्टा मार के स्क्रीन ही चकना चूर कर दी। ना जी, सानू भी दसो ना, केड़ा रोशन मुस्तकबिल तुसी वेख रहे सी? हैं जी हसीना जी, वो एक वक्त था जब कुड़ी थी मेरे घर की और मुंडा था इजहार के घर का। हमें लाख गज वज के गुस्से में अकड़ के बात करता था, लेकिन अंदरों अंदर शर्मिंदा था। लेकिन अब गेम पलट गई है, अब कुड़ी है इजहार की सक्की थी और मुंडा मेरा बब्बर शेर। बहुत कुछ सोच रखा है, गोल्डन वर्ड्स है, और वो दा लगाऊंगा जो आज तक इजाद ही नहीं हुआ। अब वो मेरे सामने सार नहीं उठा सकता, और इसरा ने तो मेरी लाज रखी। मेरे इनकार के बावजूद ना तो घर से भागी, ना ही कोई सवाल जवाब किया। लेकिन मुझे पक्का यकीन है ये इजहारे की थी बाप के इनकार की वजह से घर से भागने की धमकी भी देगी, ते गज वज के एहतजाज भी करेगी। स्टडी जी, अब ये सब छोड़ दे, माजी को भूल जाए। भूल जाता पुत्र, बिल्कुल भूल जाता, मगर माजी हाल बन के फिर सामने आ गया। अजलान ने ना उसकी कुड़ी की वजह से मेरी नाफरमानी की है। साड़ी कुड़ी दा रिश्ता इनकार करके सारे प्लान ते पानी फेरता। उफ मम्मी जी, उसको छोड़े, मैं तो उसे वैसे ही अब लिफ्ट नहीं कराती। डैडी जी ये बताएं कि शम्मा आंटी के फंक्शन पे मम्मी जी को कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए? पुत्री, गोल्डन वर्ड्स हैं। ड्रेस ऐसा पाना चाहिए कि जिसे देखकर सब कहें कि इसका शौहर बहुत बड़ा अमीर बंदा है। वो मैं सोच रही हूँ वो बलवट वाला नहीं है, जिसे से फुल भरिया या कम है गया, वो पा लेनी। वो मम्मी जी, वो तो बहुत फ्लैशी है। हाँ, वही पहने, ब्राइडल लगेगा। अच्छा बात मेरी कुड़ी, मैं चाहनी हूँ सारे लोग सिर्फ मैनू देखते रहन। बस हसीना जी, फिर एक काम करो, शादी वाले घर में जाके ना फंदा लगा के पक्के से लटक जाओ। पक्की बात है, सब आपको देखेंगे। ना देख लेता तू आजकल कहाँ है? ना मैंने पूछा है, ना मैं जानना चाहती। माय डैडी को हार्ट अटैक हुआ है, जेल वाले को हॉस्पिटल ले गए इमरजेंसी में। फाइज दया, फाइज का कुछ पता नहीं, इंटरव्यू के लिए सांबा कह दो। मुझे अपने इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए, वरना इस पूरी दुनिया के सामने मैं फाइज को बता दूंगा कि किस तरह तुमने उसकी जिंदगी में जहर घोला, किस तरह तुमने हरीम पर इल्जाम लगवाए। अमल, तैयार नहीं हुई?
क्या बात है मेरी बेटी, चुप चुप है, सब ठीक है ना? हम्म, क्या हुआ मेरी शहजादी को? बस आप थोड़ी और देर के लिए सिर्फ मेरे पापा है, फिर आपकी जिंदगी में एक और रिश्ता आ जाएगा। आप मुझसे तब भी इतना ही प्यार करेंगे ना? मन, मैं जानता हूँ, सोचा भी कैसे। देखो एक बात याद रखो, तो इन जगह कोई नहीं ले सकता। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं शादी से इनकार कर देता। नहीं नहीं नहीं, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर मैं खुश ना होती तो आपको इजाजत नहीं देती। वाकई बहुत खुश हूँ। अच्छा सुनो, एक बात हमेशा याद रखनी है, तुम्हारे पापा कभी नहीं बदलेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। और आप इस बारे में नहीं सोचिएगा, क्योंकि मैं तो बस वैसी, आपको पता ना आपकी बेटी थोड़ी सी पागल है। थोड़ी सी? मैं तैयार होके आती हूँ। जी तीर, जाओ जाओ जाओ, खुश हो ना? अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर की मेहरबान आते। फिर भी देखो चले है, 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 चले है।